सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप 12 वोल्ट टू 5 वोल्ट डीसी टू डीसी कन्वर्टर अपने घर पे काफी इजी एंड सिंपल वे में बना सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, इस सर्किट के साथ कुछ लिमिटेशंस है जो कि वीडियो के एंड में मैं डिस्क्राइब करूंगा। सो फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज की प्रोजेक्ट हमारे जितनी सिंपल एंड ईजी है उतनी ही चीप भी है। एंड अगर बात करें इसके कुछ कंपोनेंट्स की, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये हमारा सर्किट बनकर रेडी हो गया है। एंड ये है 12 वोल्ट का इनपुट। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये 12 वोल्ट दे रहा है या फिर नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये 12 वोल्ट शो कर रहा है। एंड शायद से यहाँ 9 वोल्ट वाली एलईडी फ्यूज हो गई है, इसलिए ग्लो नहीं हो रही है। एंड अगर आप भी इस तरह की वोल्टेज चेकर बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड अभी फ्लैश भी हो रही है स्क्रीन पर, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बल्ब्स को अटैच कर दिया है सर्किट के साथ। एंड दो बल्ब्स मैंने पहले ही बताया था कि यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये 5 वोल्ट आउटपुट निकालने वाला है। एंड अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी ग्लो इनकी तेज़ है। इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करके आप भी सर्किट को ईजिली बना सकते हो। एंड लास्टली अगर बात करें इसके कुछ लिमिटेशंस की, तो आप इसको 1 एम्पियर से नीचे जितने भी डिवाइसेज होते हैं डीसी वाले, चाहे वो एलईडी बल्ब्स हो या फिर मोटर्स हो, उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 1 एम्पियर से ऊपर की यूज़ करनी है, तो आप रेसिस्टेंस की वैल्यू को डाउन करते जाओ एंड एम्पियर बढ़ती जाएगी आपकी। 12 वोल्ट 2 एम्पियर या फिर 12 वोल्ट 3 एम्पियर आप यूज़ करोगे तो आउटपुट भी आपकी काफ़ी अच्छी आएगी। बाकी ऐसे ही वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड फॉर सच वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।